तो गाइस आज हम करेंगे मैथ की कुछ सिंपल सी ट्रिक्स जो कि बहुत ईजी है और बहुत ही हर पेपर में काम आती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख दी है यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ताकि आप सब यहाँ पे देख के इजिली 6 को 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का स्क्वायर है यहाँ पे 5 का स्क्वायर है जो 25 होता है, 6 का होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, देन 81, 9 का, 10 का होता 100। ओके, ये सारे स्क्वायर मैंने लिख दिए हैं। ये स्क्वायर की ट्रिक्स है कि हमें कोई भी वर्ड ऐसे दे दिया जाए उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर रूट का हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, बाकी हम करेंगे। ओके, सबसे पहले ये दिखा दिया हमने, लिया 324 का रूट। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें पहले देखना है कि ये लास्ट वाला वर्ड है, हमें ये सबसे पहले देखना है कि ये लास्ट वाला वर्ड जो 4 है उस वो किस किस के अंदर आता है। देखो 4 एक तो आता है किसके अंदर, 2 के अंदर। ठीक है, और दूसरा किसके अंदर आता है, 8 के अंदर। ठीक है, 2 के अंदर आया और दूसरा 8 के अंदर। हमें एक पता चल जाए दूसरा अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि हमेशा इनका जो जोड़ होता है वो 10 होता है। कितना होता है, 2 और 8 10, कोई भी ले लो उनका जोड़ हमेशा 10 होगा। तो एक का पता चल गया, दूसरा ऑटोमेटिक भी पता चल जाता है। ठीक है, 4 किस किस में आया, 2 में, तो दूसरा हो गया 8। ओके, फिर उसके बाद क्या करना हमें, ये दो लास्ट के जो 2 वर्ड्स हैं वो हमें छोड़ देनी है। ठीक है, पहले वाले पे जाना, उसे अगले पे जाना है। ठीक है, जैसे 3 है इस पे गए, तो हमें देखना है 3 किस किस के बीच में आता है। ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, देखो 3 आ रहा है 1 के में, और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 4 होता है, ये 1 है, इनके बीच में आ गया, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 4। तो हमें देखना है 3 इनमें सबसे किसके करीब है। ठीक है, तो हमने देखा 1 से तो 2 दूर है, 4 के पास में है, तो हमें ये 4 कहाँ पे है, 4 के नज़दीक है ना, तो ये दूसरे नंबर पे है ना, तो हमें दूसरे वाला लेना है। पहले के साथ हमेशा वो ले दो जिसके करीब है, अगर 1 के करीब होता तो हम 2 लेते, अब 4 के करीब है तो हम 8 लेंगे 1 के साथ, तो इस किसका हो गया 18 का। पहले ये वाला लिख दो, और जिसके नज़दीक है ना 4 के है तो 8 लिख दो, अगर 1 के होता तो हम 2 लिख देते। ओके, तो 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करके देखते हैं 729। अब देखो 9 है जो, ये किस किस में आता है, 3 में आता है 9। ठीक है, तो पहला हो गया 3, हमें ऑटोमेटिक पता है हमें 10 करनी है, तो दूसरा कितना हो गया 7। अब ये 2 वर्ड्स छोड़ दो। ठीक है, अब 7 किस किस के बीच में आता है भाई, ठीक है 2 के स्क्वायर में आता है और 3 के स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9। अब ये किसके नज़दीक है, ठीक है 9 के, ठीक है किसके नज़दीक है 9 के। पहले में क्या लिखना है, जो यहाँ पे आता है हमेशा क्या लिखना है, पहले ये लिखना है, यहाँ पे क्या आया 2 था, किसके नज़दीक है 9 के, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का रूट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट है 4 है, 4 किस किस में आता है 2 में, ठीक है यहाँ पे 4 किस में है 2 में, दूसरा अपने आप हमें 10 करना है तो पता चल गया 8 हो गया। ओके, हम लास्ट के 2 छोड़ देंगे। अब देखो 10 किस किस के बीच में है 3 के, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, ठीक है अब ये नज़दीक किसके है 3 के, किसके नज़दीक है 3 के, तो हमें पहले तो लेना है 3 जैसे कि लेते ही हम, उसके साथ जिसके नज़दीक होगा उसका यहाँ पे, या पहले के नज़दीक है तो हम पहले वाला वर्ड ले लेंगे 2, तो किसका हो गया ये रूट 32 का। ओके, लेकिन क्या है ना, ये ट्रिक सब में वैलिड नहीं होती। ठीक है, कुछ में वैलिड होती है लेकिन 99% में तो ये ट्रिक वैलिड है, लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके दिखा रखा 1296 का रूट है जो, ये इसमें वैलिड नहीं है, इसलिए मैंने एक करके दिखाया है। किसका होता है 36 का होता है ये रूट, लेकिन इसमें क्या है, देखो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन ये आंसर करेक्ट
नहीं आएगा, आप करके भी देख सकते हो। ये एक्सेप्शनल केस है, कुछ केस एक्सेप्शनल होते हैं, ये 99% में तो कामयाब है लेकिन कुछ परसेंट में ही कामयाब नहीं है, ठीक है। ये इसमें वैलिड नहीं है, इसका 36 होता है लेकिन हम इसका करेंगे तो 34 आएगा, ओके। ये इसमें वैलिड नहीं, आप करके ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 99% में कामयाब है, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ करके दिखा दी ये ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है मैथ की। हम बहुत जल्दी, हमें जिसका पता नहीं होता ना कि किस इसका कितना है, तो इस ट्रिक से हम जल्दी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।